नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हिस्ट्री की अगली वीडियो हम लोग की आप लोगों के सामने है। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं कुछ बातें आपको बोलना चाहूँगा कि वीडियो इतनी मेहनत करके बनाई जा रही है और आप लोग उस पर पूरा अगर व्यू नहीं देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, है ना। मानता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट बोरिंग हो सकते हैं या कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारी वीडियो रेगुलर देखेंगे और अगर हम 50,000 के आसपास होने जा रहे हैं और अभी भी हमारे व्यू अगर 2,000 2,500 3,000 स्टार्टिंग में बनेंगे तो ये बात समझ में आएगी नहीं, है ना। अगर कोई क्वेरी है या कोई समस्या है तो प्लीज़ आप मुझसे बता सकते हैं, लेकिन बीच बीच में वीडियोज़ छोड़ना मुझे नहीं लगता कि ये सिंसियर बच्चों की निशानी होगी, बिकॉज वो चीज़ें आपका रिदम तोड़ती हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से शेड्यूल को मैं पूरा बना नहीं पाया, लेकिन अब मैं होपफुली वीडियोज़ कंटिन्यूसली डाल रहा हूँ। अब और अभी मेरा प्राइमरी एम है कि मैं मॉडर्न इंडिया को जल्दी से जल्दी फिनिश करूँ और सब कुछ ठीक रहेगा तो डेली एक वीडियो आपको मॉडर्न इंडिया की मिलेगी। इसके अलावा और भी दुनिया भर की वीडियोज़ हैं, आप लोग एटलीस्ट उसको देखिए और जो भी क्वेरीज हों मैं जल्द ही ऑनलाइन आऊँगा, लाइव आऊँगा, उसमें अपनी बताइए। UPPCS 2018 को लेकर हमें जिस तरह से स्ट्रेटजी को लेकर आगे चलना है, आप लोग अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो चीज़ें लंबी होंगी, है ना। मेरा भी उत्साह कम होता है, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अपनी क्षमता के अनुरूप आप लोग अपनी वीडियोस को देखिए और जो वीडियोस ज़्यादा व्यू डिज़र्व करते हैं एटलीस्ट उन्हें ज़्यादा व्यू मिलना चाहिए, है ना। बाकी मैंने कभी प्रचार प्रसार की टेक्निक्स को अपनाया नहीं है क्योंकि मुझे ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन अब बड़ा निराशाजनक माहौल हो गया है तो कोशिश करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो पढ़ने वाली वीडियोज़ हैं उनमें भी व्यू डालिए। बातचीत करने वाली वीडियोस पे तो दुनिया भर के व्यू हो सकते हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। खैर, पिछली वीडियो में प्लासी की का पूरा मैं युद्ध डिस्कस किया था, पूरा युद्ध किस प्रकार हुआ और किस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपने एक प्रकार से बंगाल में अपनी एंट्री मजबूत कर ली और एक सत्ता की दूसरी धुरी बन गए वो, है ना। पैरेलल एक पॉइंट बन गया पावर का, पावर सेंटर बन गया नवाब के अलावा, क्योंकि मुगल्स तो ऑलमोस्ट उस समय तक कमज़ोर हो चुके थे और चीज़ें उनसे बाहर हो चुकी थी। अली गौहर जिसका नाम शाह आलम था, बाद में वो बादशाह बने और नाम मात्र के बादशाह थे वो भी। इस टाइम हमें ये देखना है कि 1757 की जो प्लासी हुआ, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई, सिराजुद्दौला को मार दिया गया, है ना, मीर जाफर के बेटे के द्वारा। मीर जाफर के बेटे और उसके साथी दौलत बेग ने मिलके, अब इसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को जैसा कि वादा किया था उनको नवाब घोषित कर दिया, नवाब घोषित कर दिया मतलब यहाँ तक। और मुर्शिदाबाद में इनको रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता था, है ना, वहाँ के दरबारी लोगों ने इनको रॉबर्ट क्लाइव का गधा तक बोल दिया। एक तो गद्दार व्यक्ति थे बिल्कुल ये, और उसके बाद पूरी तरह से अंग्रेज़ों की शर्तों पर झुक चुके थे ये। अंग्रेज़ों को उन्होंने हर साल 1,00,000 रुपये सैनिक खर्च देने का वादा किया, फिर 5 से 6 लाख रुपये हर साल पैसा देने का वादा किया जिसे दस्तक बोला जाता था। उसके बाद फिर इन्होंने अलग अलग जगहों की जमींदारी और जागीरें इनको दे दी ताकि अंग्रेज़ों की कमाई बढ़ सके। इसी के अंतर्गत उन्होंने वर्धमान और नादिया जो दो जिले थे, दो जागीर थी, वो दे दी 2 साल के लिए लीज़ पे कि इसको टैक्स कलेक्ट कीजिए आप, है ना। तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स कंटिन्यू देते जा रहे थे कि अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ों की पॉलिसी अब उनको उनसे सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट लेने का नहीं था, वो प्रशासन को पूरी तरह अपने अधिकार में रखना चाहते थे, लेकिन कितना, उतना ही अधिकार में रखना चाहते थे जितने से उनको पैसा मिलता रहे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जिम्मेदारियां लेने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने की ओर, वित्तीय लाभ कमाने की ओर उनकी पूरी तरह से नीतियाँ थी। और इसलिए उन्होंने मीर जाफर को कंटिन्यूसली ब्लैकमेल करना शुरू किया और एक प्रकार से लूटना शुरू किया बंगाल को। इसको लूटना ही सही होगा कहना, बिकॉज उस टाइम में व्यापार के कोई प्रोटोकॉल अंग्रेज़ों ने रखे ही नहीं, है ना। आंतरिक जो पूरा टैक्सेशन सिस्टम था चरमरा गया, आंतरिक जो बिजनेस का रूटीन था सब चरमरा गया, भारतीय और अंग्रेजी व्यापारियों में मतभेद हो गया, ऐसे कर लगा दिए गए कि जो भारतीयों पर लागू थे अंग्रेज़ों पर लागू नहीं थे, है ना, दोयम दर्जे के काम होने लगे जिससे आंतरिक कलह उत्पन्न हो गए। तो एक प्रकार से खुली लूट मच रही थी और अंग्रेज लूटे जा रहे थे, और इस लूट में कुछ समय के बाद मीर जाफर सहयोग नहीं कर पाए, जिसके कारण कि अंग्रेजों और मीर जाफर में भी समस्याएं खड़ी होने लगी।
झूठ की बुनियाद पे आप कब तक किसी प्रशासन को चलाएंगे। और यही सामने आ रहा था, मीर जाफर ने जो बोया था वही काटने की तैयारी थी उसके लिए। ठीक है, 1758 की लास्ट होते होते मीर जाफर को अंग्रेजों से मुसब्बत होने लगी और 2 साल में ही मीर जाफर के ऊपर करीब 20-25 लाख रुपए का कर्जा हो गया अंग्रेजों का, जो देना था जो दे नहीं पा रहा था वो। अंग्रेजों ने इतना पैसा लिया था कि अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि जो शुरुआती किस्त मिली थी 8 लाख पाउंड की, वो करीब 100 नावों में भर के इंग्लैंड पहुंचाई गई थी, है ना। मतलब इतना पैसा कमाया गया, ये मतलब अतिशयोक्ति युक्त है, लेकिन ये बताया गया है कि कितना पैसा मिला, क्योंकि बंगाल उस समय सबसे मजबूत रियासत थी, सबसे पैसे वाली रियासत थी। मीर जाफर 1758 के लास्ट होते होते डचेस के साथ, डच जो थे उनके साथ मिलके और अंग्रेजों को किसी प्रकार से इनसे पिंड छुड़ाना चाहता था वो। अंग्रेजों को इस चीज़ की भनक लग रही थी। रॉबर्ट क्लाइव समझ गया कि भाई ये मीर जाफर को जिस चीज़ के लिए लिया था हमने, वो काम उतना कर नहीं रहा है। अब अंग्रेजों ने भी इसको ना हटाने की कोशिश की, और इसी दौरान इसने 1759 का युद्ध हो गया अंग्रेजों का और डचों का, बेदरा का युद्ध। कौन सा हो गया? बेदरा का युद्ध, नादिया डिस्ट्रिक्ट के पास बेदरा का युद्ध में अंग्रेजों ने डचेस को हराया और इसी के साथ मीर जाफर की सारी साजिशों को ख़त्म कर दिया तथाकथित। और इसके लिए पूरा दोषी ठहराया मीर जाफर को कि तुम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे थे, और इसका दोषी इसको ठहराया गया। और 1760 में अंग्रेजों ने इसको हटा दिया, बोला इसे तुम जाओ, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। और इसका जो दामाद था मीर कासिम, उसको बना दिया नवाब। मीर कासिम तो तैयार बैठा था कि हो यार ये काम बढ़िया हो जाए, है ना, वो खुद ही नवाब बनने के लिए बिल्कुल आतुर था। और उसने अंग्रेजों को खूब बढ़ चढ़ के वादे कर दिए कि मैं आपको, उसने संधि की इनफैक्ट 1760 में कि मैं आपको मिदनापुर, वर्धमान और आपका चटगांव की मैं आपको पूरा वो दे दूंगा, जागीर दे दूंगा ट्रेड करने के लिए, उसके बाद सिलहट जो जागीर है उसमें चूने के व्यापार में आधी हिस्सेदारी आपको दे दूंगा। उसके बाद उसने भी फाइनेंशियल एड के रूप में वार्षिक रूप से पैसे देने की घोषणा की, कि उसे उस समय लगा कि सब कुछ चीज़ें आसान है, उसमें तेज़ी से संभाल लेंगे। और इसी प्रकार मीर जाफर को अंग्रेजों ने पद से हटाया और मीर कासिम को, जो कि उनका दामाद था, उसे लगा दिया, नवाब बना दिया। मीर कासिम से भी बस वही काम होना शुरू हो गया। लेकिन अगर मीर कासिम को की एक्टिविटी देखा जाए ना, तो मीर जाफर की तरह इडियट नहीं था वो। अगर कुछ इतिहासकार इसको अलीवर्दी खां के बाद सबसे ज़्यादा योग्य नवाब मानते हैं बंगाल का, लेकिन मीर कासिम भी कब तक काम चलाएगा? बिकॉज जो अंग्रेजों का जो मेन मोटो था वो तो पैसा कमाना था। मीर कासिम ने शुरू से एहतियात बरतने की कोशिश की, इसलिए वो मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर लेके आया, है ना, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर लेके आया। क्या रीज़न था इसका? बिकॉज वो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता था, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद दोनों से वो छुटकारा पाना चाहता था। बिकॉज कलकत्ता में अंग्रेजों का कलेश था और मुर्शिदाबाद में इसके खिलाफ साजिशें होती थी, है ना, तो इन दोनों से छुटकारा पाके उसके बाद अली गौहर जो कि बिहार में था मुगल बादशाह, उससे भी अपने को बचाना था। तो ये 3-4 खतरों से बचने के लिए ये अपनी राजधानी को मुंगेर लेके आ गया। कहाँ लेके आ गया? मुंगेर, ताकि यहाँ शांति रहे। और कुछ समय इसने शांति पूर्ण रूप से चलाया, लेकिन अंग्रेजों की वही आंतरिक कलह वाली नीतियों से वो परेशान हो गया और उसने अंग्रेजों पर कठोर कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेजों ने भय का माहौल बना लिया। यहाँ तक कि वो नवाब के अधिकारियों को भी अरेस्ट कर लेते थे, उनको भी मारते पीटते थे, मतलब इस तरह से कि मतलब नवाब मतलब कुछ नहीं, नवाब का कोई सम्मान नहीं, जिससे मीर कासिम ने तंग आके उन पर कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी। और ये कार्रवाइयाँ बिल्कुल उत्तेजना से भरी हुई थी, जिसके कारण कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि मीर कासिम को भी अब इलाज करना पड़ेगा, है ना, मीर कासिम को भी हटाना पड़ेगा। और इसी समय 62 का वो काल था, 1762 के समय, जब इनके धीरे धीरे संघर्ष होना शुरू हुए। और 1763 आते आते इनके संघर्ष बढ़ने लगे। 1763 में अंग्रेजों में और मीर कासिम में छोटे बड़े कुछ संघर्ष हुए, जिसमें मीर कासिम को मुंह की खानी पड़ी बार बार, और अंग्रेजों ने उनको दोषी ठहराया कि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं और हम आपको अपदस्थ कर देंगे, अपदस्थ मतलब हटा देंगे। इसी के साथ अंग्रेजों ने तो बढ़िया मौका लगाया और इनको हटा दिया। इनको हटा के पुनः इनके ससुर मीर जाफर को पुनः बादशाह बना दिया, नवाब बना दिया। किसको बना दिया? मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर जाफर के पास तो कुछ नहीं, मीर जाफर तो भी तैयार बैठे थे कि बनाओ यार किसी तरह नवाब बनाओ, है ना। उन्होंने सिर्फ 2.5% वो नमक के ऊपर टैक्स के लिए बोला कि हाँ इतना टैक्स दे देना आप, बाकी सब कुछ टैक्स फ्री कर दिया उनको, है ना। पूरी सत्ता की धुरी अब व्यापारिक रूप से अंग्रेज थे, कंपनी थी, ठीक है। अब इस खून के घूंट को पी के मीर कासिम भागा भागा गया अवध में। कहाँ गया? अवध में। और अवध में वहाँ के नवाब मिला शुजाउद्दौला से। किससे मिला? शुजाउद्दौला। और इसके साथ मिला वो शाह आलम द्वितीय के साथ, अली गौहर जो मुगल बादशाह थे।
और इन तीनों ने मंत्रणा की कि भाई अंग्रेजों का इलाज नहीं किया ना तो हमेशा के लिए लेट हो जाएगा। और दोनों ओर से सेनाओं सेना आमने सामने खड़ी हो गई, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम की संयुक्त सेना। पटना से पश्चिम स्थान था बक्सर, है ना, वहाँ पे ये सेनाएं मिली। और दोनों ये युद्ध, देखिए प्लासी का युद्ध जो वॉर था वो तो मैनेज था, प्लासी की जो का जो युद्ध किया था वो मैनेज किया गया था, वो तो मतलब एक दोगलापन, एक दगाबाजी वाला युद्ध था जो कि ना युद्ध ना होते हुए भी युद्ध कहलाया। लेकिन बक्सर का युद्ध प्रॉपर युद्ध था, बक्सर का युद्ध प्रॉपर युद्ध था और इसमें करीब 2000 के आसपास सैनिक मारे गए ये संयुक्त सेना के, ज्वाइंट मिलिट्री के, और करीब 800 से 900 सैनिक मारे गए इनके कंपनी के। लास्ट में वही बात होती है, जो मजबूत है वो जीतेगा, और अंग्रेज जीते। और इस जीत ने भारतीय इतिहास को काला कर दिया। भारतीय इतिहास में मतलब अब अंग्रेज असीम सत्ता हो चुके थे और उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी। बंगाल भी हार गया, अवध भी हार गया, बादशाह मुगल बादशाह भी हार गए। मतलब बंगाल से लेकर दिल्ली कोई प्रतिरोध नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब अंग्रेज चाहे बंगाल में राज करें चाहे दिल्ली में, बात एक ही है। और इस घटना इस युद्ध को ना वास्तविक फाउंडिंग टाइम माना जाता है, फाउंडिंग स्टोन माना जाता है अंग्रेजों के भारत में। क्वेश्चन आता है कि वास्तविक सत्ता किससे स्थापित हुई अंग्रेजों की, 1764 बक्सर युद्ध, ठीक है। स्टार्ट हुई थी 1757 प्लासी में, लेकिन उसमें फाइनली मोहर किया 1764 के बक्सर में, डन हो गया। 1764 का जो बक्सर युद्ध है उसने एक प्रकार से पूरा विपक्ष खत्म कर दिया और अंग्रेजों के लिए सब कुछ केक वॉक हो गया। इस युद्ध के खत्म होते ही रॉबर्ट क्लाइव कुछ समय बाद चला गया और उसके बाद हालवेल और कुछ समय वेंसनाट वायसराय वो गवर्नर बन के आए। इस दौरान मीर जाफर वहाँ पे नवाब बना रहा 2 साल के लिए, 1763 से 1765। उसके बाद उसका बेटा नजीमुल्ला बना, वो अलग बात है। 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव दोबारा आया तो इसने इलाहाबाद की 2 संधियाँ की, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को, ठीक है। ये 2 संधियाँ, एक संधि की शाह आलम के साथ जो कि मुगल नवाब मुगल बादशाह, और एक की अवध के नवाब के साथ। शाह आलम के साथ संधि की पहली संधि है ना, इलाहाबाद की संधि शाह आलम के साथ, ये वाली 12 अगस्त वाली, इसमें 26 लाख की पेंशन भी इनको भेज दिया गया। कड़ाका और इलाहाबाद का एरिया नवाब अवध के नवाब से छीन के मुगल बादशाह को दे दिया गया और इसके साथ मुगल बादशाह से ट्रेड के सारे लाइसेंस प्राप्त कर लिए गए, ठीक है। दूसरी जो संधि हुई उसके अंतर्गत अवध के नवाब से 50 लाख रुपए का जुर्माना लिया गया युद्ध का, और कड़ा और इलाहाबाद छोड़ के बाकी सारा क्षेत्र उनको वापस लौटा दिया गया अवध के लिए। और इसी के साथ उन लोगों ने इन लोग की अधीनता स्वीकार की, ठीक है। नजीमुल्ला को इन्होंने 65 में अवध का उसका बंगाल का नवाब बना दिया। तो ये कुछ चीज़ें हुई थी जो कि पोस्ट बक्सर वॉर हुई 1765 की, जिसमें कि मेनली आपका ट्रीटी हुई, इलाहाबाद की ट्रीटी जो कि इम्पोर्टेंट थी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था, वो जो मैंने आपको अभी बताए हैं ना, तो हॉलवेल और वेंसनाट वो बीच में आए थे, इस टाइम पे नहीं आए थे बीच में, क्योंकि बीच में आए थे वो, और बाद में रॉबर्ट क्लाइव दोबारा जब गवर्नर बन के आया तो उसने ये काम किए थे। आई होप कि आप लोग की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 1765 तक का अगर हम काम देखें तो अंग्रेज पूरी तरह से भारत में हावी हो चुके थे। इसमें पहली संधि में बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार की दीवानी भी वो अंग्रेजों को मिल गई थी, बिकॉज अंग्रेज अभी भी ना पूरी तरह सत्ता उठाने के लायक अपने को समझ नहीं रहे थे। वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि उनको ये कहीं ज़्यादा समस्या ना पड़ जाए, बिकॉज पुर्तगाली और फ्रांसीसी अभी थे और वो एकजुट होकर इनको परेशान ना करते हैं, या मुगल बादशाह के साथ कोई और सत्ता ना जुड़ जाए। इसीलिए अभी तक वो ना अपने सीमाओं को कम फैला के ज़्यादातर अपना काम मजबूती की ओर लाना चाहते थे, अपने ट्रेड को मजबूत करना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, और वो काम वो बखूबी कर रहे थे। तो ये आपका हो गया युद्ध कंप्लीट हो गया 1764 का। इसके बाद अगली वीडियो में हम कुछ नए स्टेट्स देखेंगे, जैसे मराठा देख लेंगे और थोड़े सिख देख लेंगे, उसके बाद हम सीधे आगे चलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बात पर गौर करिएगा और वीडियो को पूरा व्यू दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।